Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So guys, in today's video I'm going to share my Amazon beauty haul. So yes, without any further ado, let's get into the video. So video agar पसंद आती है देन वीडियो क्या करना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए. सो बहुत टाइम हो गया था कि मुझे एक यू नो मेकअप स्किन केयर हॉल किए हुए, क्योंकि काफी टाइम से ना मैं कुछ इतना मेकअप और स्किन केयर परचेज नहीं कर रही थी, बट फाइनली मैंने कुछ चीजें परचेज की तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर किया जाए. गाइस मैंने ना ये हैंड बैग भी ऑर्डर किया था मेकअप और स्किन केयर के साथ साथ, तो फर्स्टली मैंने सोचा इसी को शेयर कर देते हैं, फिर मेकअप और स्किन केयर दिखाऊंगी. तो फर्स्ट मैंने ये बैग ऑर्डर किया था, दिस इज बाय द ब्रांड नोन एज लीनो पिरोस. काफी सही बैग लगता है, काफी अच्छा लुकिंग लगता है इसका. मतलब ये मैंने ट्रैवलिंग पर्पस के लिए बाय किया, क्योंकि इट्स यू नो क्वाइट ह्यूज, इसमें काफी कुछ आ सकता है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था. इस पे ना एक क्वेल्टेड डिटेलिंग हो रखी है, जो कि आपको H&M ज़ारा के बैग्स में देखने को मिलेगी. काफी अच्छा इस तरह के इसमें हैंडल्स मिलेंगे, एंड इसमें ना आपको इस तरह के टू सेपरेशन मिल जाएंगे. तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज टोट बैग में क्या होता है, जो भी आपने चीज रखी हो ना, इधर उधर खोने के चांसेस है, बट इसमें नहीं है. सो कुछ इस टाइप की इसकी क्वालिटी है. अंदर से भी काफी सही मुझे क्वालिटी इसकी रिसीव हुई है. और ये बैग का प्राइस कुछ डिस्काउंटेड प्राइस 1000 या फिर 1300 समथिंग का था. वैसे ओरिजिनल ये 4000 का है, लेकिन अमेजन पे ना यार मस्त वाला डिस्काउंट चलता रहता है, तो ये काफी अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया. कुछ छोटू सी पॉकेट में लेके आप कुछ रख सकते हैं. और एक और इसमें इस टाइप का भी यू नो मिलता है, जैसे कि आप इसको एज अ शोल्डर बैग कैरी कर सकें. तो काफी सही लगा मुझे बैग, क्वालिटी भी अच्छी है नो डाउट, एंड बैग से कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे भी आपको एक जिप मिल जाएगी. तो ओवरऑल बैग काफी अच्छा है, फिर आपको यहाँ पे ना क्यूट सा पॉम पॉम भी मिलता है. सो अच्छा बैग लगा, ट्रैवलिंग पर्पस के लिए बहुत ही सही है, बिकॉज बहुत कुछ इसमें आ जाएगा. ऐसे इतना अफोर्डेबल ना इसीलिए है क्योंकि अभी अमेजन पे ना सेल चल रही है, ब्लॉकबस्टर वैल्यू डे सेल. 14th से स्टार्ट हो गई है और 17th तक चलेगी, जिसमें आपको अप टू 40-80% ऑफ मिल जाएगा सभी प्रोडक्ट पे. तो आप उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और लिंक सभी प्रोडक्ट का आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज वेल एज माई हॉल स्टोर का लिंक भी मिलेगा, जहां पे आपको अमेजन का सारा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा. तो अब आगे बढ़ते हैं. हॉल ना बाय किया है ये फाउंडेशन. अच्छा ये फाउंडेशन ऐसा है कि जो भी बंदा यूट्यूब पे आता है, यूट्यूबर बनना चाहता है, वो ये तो पहले ही बाय कर लेता है. मतलब फर्स्ट या सेकेंड फाउंडेशन होगा हर एक बंदे का, मुझे ऐसा लगता है. बट ये मैं इतने टाइम बाद इसको बाय कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मेबलिन का जो एक और आता है ना सुपर स्टे, वो वाला बाय कर लिया था, और ये वाला मैंने बाय ही नहीं किया था, पता नहीं क्यों. बट अभी मुझे लगा कि नहीं यार इसको भी ट्राई करना बनता है, क्योंकि लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं. तो ये कुछ ना इस टाइप की पैकेजिंग में आपको रिसीव होगा. दिस वन इज मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन, 16 आवर ऑयल कंट्रोल, SPF 22 के साथ आता है. आई एम इन द शेड 128 वार्म न्यूड. अच्छा सुपर स्टे में भी मेरा सेम ही शेड है, तो आपको कुछ ऐसी पंप पैकेजिंग मिलेगी. आप देख सकते हो बिल्कुल न्यू है, आज मैंने इसको यूज किया अपने स्किन पे, और काफी स्किन लाइक एक कवरेज देता है. मतलब ना एक होता है ना वो ड्राई ड्राई पैचेस वगैरह, वो नहीं लगते, मतलब काफी सही लगता है. एंड ये जो शेड है ना, मतलब मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी यार, कुछ ना इस टाइप का है. और ये देखो कितना इजीली जो है ये ब्लेंड हो गया, और अभी आपको लग ही नहीं रहा कि कहाँ गया यार स्किन में ना, मतलब इतना सही ब्लेंड हो जाता है. मुझे बहुत सही लगा ये फाउंडेशन. इसका जो प्राइस है ना वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगा, सो डोंट वरी. एंड कुछ 400 समथिंग का ही मुझे मिला था, वैसे इसका ओरिजिनल प्राइस थोड़ा ज्यादा है, बट मैंने जैसे बताया अमेजन पे डिस्काउंट मिल जाएगा. नेक्स्ट मैंने परचेज किया निप्पल कवर्स, दिस इज बाय द ब्रांड नोन एज सैम्फी या साफी. तो इसमें आपको 10 यूनिट्स मिल जाएंगी. तो ना मुझे निप्पल पेस्टीज बाय करनी थी, वो भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है अमेजन से, देखते कब तक आती है. तो मैंने ना निप्पल कवर भी ऑर्डर कर लिए, और ये जो है इनको आप रीयूज नहीं कर सकते, ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ. कुछ इस टाइप की ना आपको लुक मिलने वाला है, वो बैंडेड नहीं होती वैसा वाला लुक है इसका. और यहाँ पे आप इसको जब रिमूव करोगे इस वाली लेयर को, आप अपने निप्पल्स पे इनको स्टिक कर सकते हो. तो टोटल इनको आप 5 टाइम यूज कर सकते हो. तो मुझे काफी सही प्रोडक्ट लगा, मतलब इसको इसलिए मैंने बाय करा था, एंड अभी तक यूज नहीं किया, तो जल्दी यूज करूंगी फिर शेयर करूंगी. और इसका जो प्राइस है ना वो 299 लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा डिस्काउंट पे होगा, प्राइस आपको अगेन यहाँ दिख जाएगा. ओके एंड उसके बाद ना नेक्स्ट मैंने बाय किया एक न्यूड लिपस्टिक. मुझे बहुत टाइम हो गया था लिपस्टिक्स न्यू बाय किए हुए. तो ना ये है ब्रांड ईवा से. सो दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक, एंड ये मुझे काफी सही लग रही थी. इसका प्राइस यहाँ पे 450 है, लेकिन ऑब्वियसली अगेन ये डिस्काउंट पे मिल गया था मुझे. तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल अंडरटोन वालों के लिए है. सो इस टाइप की कुछ इसकी पैकेजिंग आएगी. पैकेजिंग बहुत स्लीक है, बहुत क्यूट सी पैकेजिंग है. एंड लेट मी शो यू द स्वॉच. आई एम इन द शेड कैरेमल न्यूड. ओके एंड
दिस इज हाउ द लिपस्टिक लुक्स लाइक. यू कैन सी काफी प्यारा न्यू शेड है, मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा. अभी तक इसको मैंने एक ही बार यूज किया था, बहुत प्यारा शेड है, काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है ये. इसको हॉर्न बजाने तो पहले तो काफी प्यारा शेड है, मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगी. और लिप्स को ना लेकिन हल्का सा ड्राई करता है, मतलब बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं है बट हल्का सा ड्राई करता है. सो मेक श्योर कि आप अपने लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट करें. ओके, नेक्स्ट एक और न्यू लिपस्टिक मैंने बाय की थी, दिस इज बाय द ब्रांड नोन एज इनसाइड. तो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में रिसीव होगी एंड ये शेड है 24 एंड ये कुछ इस टाइप की बुलेट फॉर्म में आपको लिपस्टिक रिसीव होगी. अगेन ये भी एक न्यूड शेड है बट काफी प्यारा लगता है. ये एक मोविश ब्राउनिश सॉर्ट ऑफ न्यूड शेड है, बहुत ही प्यारा. इसमें आप देख सकते हो कि ये ब्राउन न्यूड है एक प्रॉपर और ये थोड़ा सा मोविश न्यूड है. शेड है 24 एंड ये जो है ना ये इनसाइड के सुपर स्टे लिपस्टिक है, बहुत ही सही लगे मुझे. बस ये है कि इनके स्टिंग पर बहुत ज्यादा नहीं है, ये कुछ टाइम में यू नो रिमूव हो जाती है, लाइक 4 to 5 hours के बाद रिमूव हो जाती है. सो अगर आपको ऐसी लिपस्टिक्स पसंद है जो ज्यादा ड्राइंग ना हो, लिप्स को ज्यादा ड्राई नहीं करे, पैची नहीं लगे आपके लिप्स, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन. और इस शेड भी बहुत प्यारा, इट विल सूट फेयर टू मीडियम टू डीपर डस्की स्किन टोन. ओके गाइस, आई गॉट दिस ग्लॉस फ्रॉम रेने. तो ये ग्लॉस ना मुझे गिफ्ट में भी रिसीव हुई थी एंड मैं उसे पूरा यूज कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसे रीपर्चेज किया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई. सो ये कुछ 450 की है. ये ना इस तरह की क्यूट आइसक्रीम काइंड ऑफ पैकेजिंग है यार, इतनी क्यूट पैकेजिंग है, मतलब किसी चीज की इतनी क्यूट पैकेजिंग हो सकती है क्या? इतनी प्यारी पैकेजिंग है इसकी. और ये एक लिप ग्लॉस है, पिंक का हिंट है इस लिप ग्लॉस में, काफी ज्यादा प्यारी लगती है ये एंड यू कैन सी. ओके, बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत सही लगती है. सो बहुत ना छोटू सी क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी बहुत कम आती है प्राइस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है थोड़ा और क्वांटिटी आनी चाहिए बिकॉज बहुत जल्दी ओवर हो जाती है अगर आप मेरी तरह लाइक बहुत ज्यादा ऐसे लिप ग्लॉस वगैरह यूज करते हो. वैसे मैंने अभी लिप ग्लॉस यूज नहीं किया, मैं लिपस्टिक के साथ यूज नहीं करती, लाइक मैं नाइट में यूज कर लेती हूँ, फिर रैंडमली कभी भी ऐसा मन करता है कि लिप ग्लॉस लगा लो तो मैं लगा लेती हूँ. एंड नेक्स्ट आई गॉट दिस ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम द ब्रांड नोन एज कलर बार. तो अभी इसको यहाँ से फाड़ना पड़ेगा देन फिर इसको ओपन करना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं कर रही क्योंकि अभी इसको मुझे यूज नहीं करना है. ये मैंने न्यू परचेज किया है, इसका प्राइस है 199, काफी सही मुझे लगता है ब्यूटी ब्लेंडर. मैं एट प्रेजेंट कलर बार का ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज करती हूँ और ये आप देख सकते हो कि इस टाइप का ओरिजिनल साइज आएगा, फिर इसको आप यू नो इतना बड़ा साइज हो जाता है इसका, तो काफी सही लगता है. तो इसी से मैं ब्लेंड करती हूँ फाउंडेशन वगैरह, बहुत नेचुरल यू नो लुक देता है और ज्यादा सोक भी नहीं करता प्रोडक्ट को, तो मुझे बहुत सही लगा. तो वो जब थोड़ा डर्टी हो जाएगा और जब उसको वॉश करने की हिम्मत नहीं बचेगी मुझ में, तब मैं इसको ओपन कर लूंगी, इसलिए मैं अभी इसको ओपन नहीं करी क्योंकि ओपन करने के बाद ना थोड़ा डर्ट कैच कर लेता है ये. ठीक है, नेक्स्ट आई गॉट दीज वेट वाइप्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी. सो ये है स्विस ब्यूटी के मेकअप रिमूवर, आई एंड फेस मेकअप रिमूवर वाइप्स. अच्छा, इससे ना वाटरप्रूफ मेकअप रिमूव नहीं होता इन वाइप्स से, तो मैंने ये बेसिकली परचेज किया बिकॉज मैं ट्रैवलिंग जब भी करती हूँ तो मैं ना मेकअप रिमूवर अब कैरी नहीं करती थी. बट रिसेंट में क्या हुआ था कि मैं एक बार कहीं गई थी और मैंने वो मेकअप रिमूवर की फुल बड़ी बॉटल ली थी क्योंकि मैंने उसे बाय ही किया था, मैं ट्रैवलिंग पे उसको ही लेके चली गई. ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ छोटू मोटू में उसको ट्रांसफर किया, नहीं भैया अपन तो पूरी लेके चलेंगे. और वो पूरी फैल गई थी और मेरे सारे कपड़ों को उसने अच्छे से भाई मेकअप उनका रिमूव कर दिया, मतलब पूरी फैल गई थी, पूरी खत्म. तो तब से ना मैं ये वाइप्स कैरी करती हूँ और जो जॉनसन बेबी का बेबी ऑयल आता है ना वो यूज करती हूँ. तो जो भी वाटरप्रूफ मेकअप होता है ना आईज वगैरह पे, उस पर अच्छे से मसाज करती हूँ ऑयल का, फिर इन रिमूवर जो वाइप आते हैं उनकी हेल्प से रिमूव कर लेती हूँ मेकअप को एंड इजिली रिमूव हो जाता है. काफी सही लगते हैं मुझे ये वाइप और इसका प्राइस था 129, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट. सो गाइस, नेक्स्ट आई गॉट दिस बायोटीक बायोनीम फेस वॉश. इसके बारे में तो ज्यादा क्या ही बताना, बट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये काफी अच्छा फेस वॉश है, इसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ. और पिंपल्स अगर आपको है देन यू कैन गो फॉर दिस वन, मतलब ये बहुत अच्छा है, सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और पिंपल्स तो यू गायब कर देगा. नेक्स्ट गाइस, मैंने परचेज किया एक समर एसेंशियल चीज हम कह सकते हैं. तो मेरे पास ना ये निव्या का रोल ऑन था, ये है पर्ल एंड ब्यूटी वेरियंट और ये देख सकती हूँ इसकी कितनी खस्ता हालत है और इसको बिल्कुल यूज कर डाला मैंने, मुझे बहुत सही लगते हैं ऐसे रोलॉन्स. तो मैंने ना अभी एक और ये निव्या का परचेज किया है, ये इस बार मैंने डीओ मिल्क वाला परचेज किया है.
पर्ल एंड ब्यूटी की भी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है और इसकी भी काफी अच्छी है, बहुत सही है। मतलब आप इसको अंडरआर्म्स पे अच्छे से इस टाइप से मसाज करोगे, आपके अंडरआर्म्स को हाइड्रेट भी करेगी और प्लस ही शाइन देख रहे हो, इतनी सही फ्रेग्रेंस आती है। और मतलब अगर आपके को भी बहुत ज्यादा ऐसे स्वेटिंग होती है और बहुत ही ना स्मेल आने लग जाती है अंडरआर्म्स में और बहुत इरिटेशन सी होती है ना, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। इतना सही प्रोडक्ट है यार, मतलब जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ मुझे तो मजा ही आ गया, मतलब बहुत ही सही है। क्योंकि अभी तो मैं जिम वगैरह भी जाती हूँ ना, तो यार जिम में तो आपको पता ही है कितना स्वेट निकलता है, तो उसके लिए ना ये बेस्ट है। मैं तो क्या करती हूँ, अंडरआर्म्स पे लगाने के बाद अच्छी सी पूरे स्किन पे भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ, मतलब नॉर्मली ऐसे एक रोल ऐसे, तो मुझे बहुत सही लगता है। आप डेफिनेटली इसके लिए भी जा सकते हैं। और इसका जो प्राइस था ना वो था 250, ओके बहुत ही सही है, बाकी डिस्काउंट तो इस पे था ही। ये है अगेन एक समर असेंशियल, तो मैंने ना सनस्क्रीन बाय की है, ये अगेन मैंने रिपर्चेज की है। सो ये है मामाअर्थ की राइज सनस्क्रीन जेल। अगर आप एक सनस्क्रीन देख रहे हैं अभी समर सीजन के लिए और ऐसे चिपचिप नहीं चाहिए, व्हाइट कास्ट नहीं चाहिए, तो यार इसके लिए जाओ, इतनी सही वाली मुझे सनस्क्रीन लगी। आ जा भाई, आ जाओ। ओके, तो बहुत सही वाली सनस्क्रीन है, मतलब इतना स्किन में इजिली ब्लेंड होती है। ये मेरा सेकेंड बॉटल है, अभी रिसेंट में भी इसको मैंने बहुत यूज किया था, इसको मेरी पूरी फैमिली आजकल यूज करने लग गई है, बिकॉज ये इतनी सही वाली सनस्क्रीन है यार, मतलब क्या ही बताऊं। जेल फॉर्मूले में आएगी और इतनी इंस्टेंटली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ऐसा ना आपको ऐसा पंप पैकेजिंग मिलेगी। ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी मैं प्रोडक्ट को अपने को, एंड ये देखो कितना इजिली एब्जॉर्ब हो गई स्किन में और एक बहुत ही नेचुरल सी शाइन भी मेंटेन करती है। बहुत सही सनस्क्रीन है, हल्की हल्की फ्रेग्रेंस भी है इसमें, काफी अच्छी है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। ये वाला प्रोडक्ट तो मामाअर्थ कब से मेरा फेवरेट हो चुका है, मतलब बहुत ही सही प्रोडक्ट है। सो गाइस, नेक्स्ट आई गॉट दिस गुड वाइब्स रोज हिप सीरम, बिकॉज मुझे एक सीरम की बहुत जरूरत है। आपको पता ही है कि मेरे को रोज हिप सीरम कितना ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने परचेज किया है। 50 ml वाला आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने 30 ml का परचेज कर लिया। काफी सही मुझे सीरम लगता है, बहुत अच्छी सी स्किन पे ग्लो प्रोवाइड करता है। वेरियंट है इसका रोज हिप, अगर आपकी स्किन आपको ड्राई खिंची खिंची ऐसे फील होती है ना, एक से दो ड्रॉप लो, अच्छे से मसाज कर लो स्किन में, इतनी प्लम्पी इतनी ग्लॉसी काइंड ऑफ स्किन हो जाती है ना, मजा आ जाता है, और मेकअप भी बहुत ही इजिली अप्लाई होता है। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने कान्हे का मैसला वाटर भी बाय किया था, अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ, आज होने वाला था इसलिए मैं वीडियो बनाने बैठी, अगर हो गया होगा तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। बड़ा मैंने पैकेजिंग बाय किया, क्योंकि जो मेरा पहले वाला है यार उसकी हालत देखोगे आपको तरस आ जाएगा, बहुत ही यूज है, अब यूज हो चुका है वो, तो मेरा अब खत्म ही होने वाला था, इसलिए मैंने एक दोबारा ऑर्डर कर लिया, रीस्टॉक कर लिया है। उसके बाद मैंने बाय की है बायोटिक की सैंडलवुड क्रीम, ये ना बहुत सही है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। एक तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, प्लस आपके स्किन में ना मतलब आपको सन रेज से भी प्रोटेक्ट करती है आपके स्किन को, कुछ इस टाइप की आपको पैकेजिंग रिसीव होगी, काफी सही है। इसको भी मैं अगेन अप्लाई करके आपको शो करती हूँ, तो कुछ इस टाइप के, इसको भी अगेन मेरी पूरी फैमिली यूज करती है गाइज, इतनी सही है ना ये, मतलब बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करती है, काफी अच्छी है। और SPF 50 के साथ आती है, तो सनरेज से भी प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब आपको अलग से सनस्क्रीन अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, तो एक तीर से दो शिकार। ओके, नेक्स्ट आई हैव दिस कार्मेसी के फेशियल रेजर है, ये भी मैं काफी यूज करती हूँ, मुझे बहुत ही सही प्रोडक्ट लगता है ये, और इसमें आपको 3 razors मिलते हैं, तो मैंने अपने फेस पे, मेरे काफी फेशियल हेयर है तो उसको रिमूव करने के लिए यूज दीज, तो इसमें आपको ऐसे 3 चाहता था कि मुझे ना ढंग से दिखाओ, तो आपको कुछ इस टाइप के रेजर मिलेंगे। इजिली आप अपने स्किन मतलब अपने फेस को शेव कर सकते हो, इस टाइप से आपको जाना है, मतलब लाइक दिस। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जल्दी, इसके ऊपर भी शॉर्ट्स बनाऊंगी, तो आप चेक कर लेना, वेट करना, मतलब अगर आपको जानना है कि अपने फेस को शेव करती हूँ, मतलब आप देख पाओगे। ओके, बात करें लास्ट प्रोडक्ट की, तो गाइस लास्ट आई गॉट दीज कॉटन पैड्स फ्रॉम बेला, ये कुछ इस टाइप के कॉटन पैड्स हैं, 2 आपको रिसीव होते हैं, बट अभी एक तो मैं यूज कर रही हूँ, तो ये एक बचा हुआ है, ऐसी कुछ पॉली में आपको 2 कॉटन पैड्स के साथ से रिसीव होंगे। और एक कॉटन पैड में आपको कितने मिलते हैं, 80 pieces मिलते हैं, काफी अफोर्डेबल था, मैं बोलूंगी कि जरूर बाय करो ये बेला के, तो मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, मतलब जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मैंने एक दो ब्रांड और भी ट्राई किए थे, बट बेला बेस्ट है। ओके, सो दैट्स ऑल, ये कुछ प्रोडक्ट थे जो मैंने अमेजन से इस बार परचेज किए हैं, इनमें से सबसे सही आपको कौन सा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, किसका रिव्यू देखना है ये भी बताना। सो या मिलते हैं गाइस मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, आई लव यू।